नमस्कार, अनुपम गुप्ता किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपके साथ अपने फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट के बारे में शेयर करने वाली हूं और साथ ही साथ अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में भी शेयर करूंगी, जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप नए यूट्यूबर हैं या नए चैनल बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो कोई भी अगर यूट्यूब पे अपना समय और मेहनत खर्च कर रहा है तो उसे काफी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है यूट्यूब की तरफ से आने वाली अपनी फर्स्ट पेमेंट को लेकर। हालांकि जब फर्स्ट पेमेंट आ गई तो उसकी आगे की पेमेंट तो आधी रहेगी अगर वो काम करता रहा तो। तो आज मैं अपने यूट्यूब चैनल के बारे में, यूट्यूब जर्नी के बारे में आपको कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप एक नए यूट्यूबर है या आप अपना चैनल बनाने की सोच रहे हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि मेरा कुकिंग का चैनल है, तो मैंने ये चैनल बनाया था जनवरी 2019 में। तो चैनल तो मैंने आज से 3 साल पहले ही बना लिया था और उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, तो मैं ये बिल्कुल नहीं सोच पाई कि मैं इस काम को कंटिन्यू कर पाऊंगी कि नहीं। मैंने बस ऐसे ही चैनल बना दिया था, मतलब उतना ज्यादा सीरियस नहीं थी, बस चैनल बना दिया था और वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया। मतलब मैंने लगभग 15-20 वीडियो डाले थे, तभी मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया। और फिर पिछले साल 2021 में जनवरी एंड यानी फरवरी कह लीजिए, मैंने उसी चैनल पे फिर से वीडियो डालना स्टार्ट किया। और पिछले 2 सालों में उस चैनल पे ना ही मुझे अच्छे सब्सक्राइबर मिले थे और ना ही व्यूज, सिर्फ 60 सब्सक्राइबर आए थे। लेकिन मुझे उस समय आइडिया नहीं था कि मैं एक फ्रेश एक न्यू चैनल से स्टार्ट करूं, तो मैंने उसी पुराने चैनल पे फिर से वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करें, आप एक नया चैनल बना के वीडियो डालें जब पुराने चैनल पे आपके कुछ खास सब्सक्राइबर नहीं है। तो मैंने फरवरी से वीडियो डालना स्टार्ट किया और सितंबर स्टार्टिंग में ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, यानी कि सिर्फ 8 महीने लगे मोनेटाइज होने में। और मैं वीडियो भी रेगुलर नहीं डाल रही थी क्योंकि मेरे पास छोटी बच्ची थी, घर का काम, हस्बैंड, सारे काम के बाद जो समय मिलता था तो उसी समय को मैं यूट्यूब पे देती थी, तो इसलिए मैं रोज रोज वीडियो नहीं डाल पाती थी, 1-2 दिन का गैप करके ही वीडियो डालती थी। लेकिन फिर भी मेरा चैनल जो है 8 महीने में मोनेटाइज हो गया। तो मोनेटाइज सितंबर में हुआ और मेरी फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट आई मई में, यानी कि करीब 9 महीने लगे। इस प्रोसेस में काफी लंबा टाइम लग गया और लंबा टाइम किस लिए लगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी अच्छे से यूट्यूब पे काम नहीं किया। मुझे कई कारणों से 1-1 महीने 2-2 महीने गैपिंग करनी पड़ी, वीडियो नहीं डाल पाती थी मैं, तो इसके वजह से मेरी फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट आने में बहुत ही ज्यादा लेट हुआ। लेकिन अगर आप अच्छे से काम कर रहे हैं, आप जिस शेड्यूल से वीडियो डाल रहे हैं और उस तरह से अगर आप डालते जा रहे हैं तो आपकी यूट्यूब पेमेंट और भी जल्दी आ सकती है। इस साल यानी 2022 मई से मैंने अच्छे से वीडियो डालना स्टार्ट किया, तो मेरे चैनल पे आप सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से ग्रो हो रही हैं, सब्सक्राइबर, व्यूज, वॉच टाइम, सारी चीजें अच्छे से ग्रो हो रही हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप अगर चैनल बना रहे हैं तो काफी सोच समझ के बनाइए और उस पर अच्छे से काम करिए, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मुझे अच्छा रिजल्ट अभी तक इसीलिए नहीं मिला है क्योंकि मैं रेगुलर एक्टिव नहीं रह पाई हूँ यूट्यूब पे, बहुत सारी गैपिंग हुई है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ डेटा दिखाती हूँ जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा कि चैनल पे अगर आप अच्छे से वीडियो नहीं डाल रहे हैं तो आपका चैनल कितना डाउन जा सकता है, लेकिन अगर आप अच्छे से काम कर रहे हैं तो फिर वो धीरे धीरे अब भी होता जाता है। तो यहाँ पे मैं YT स्टूडियो के एनालिटिक्स सेक्शन पे आ गई हूँ। यहाँ पे मैं आपको पिछले कुछ मंथ का डेटा दिखाती हूँ। मैं सबसे पहले आपको अप्रैल का दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हम अप्रैल मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। अप्रैल मंथ में जो है व्यूज जो है 28,000 के करीब है और वॉच टाइम जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,000 है, सब्सक्राइबर सिर्फ 101 है और अर्निंग जो है $12 की हुई है। और इस मंथ में मैंने सिर्फ 3 वीडियो डाले हैं। तो मैं अगले मंथ का आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मई मंथ में जो है व्यूज जो है 35,000 है और वॉच टाइम जो है यहाँ पे 1,300 है और सब्सक्राइबर 126 है और अर्निंग यहाँ पे हुई है $15 की। और इस मंथ में मैंने 7 वीडियो डाले हैं, यानी पिछले मंथ से इस मंथ में सब कुछ अच्छा है क्योंकि वीडियो मैंने ज्यादा डाला है। अगस्त तो अभी रनिंग है, मैं आपको जुलाई मंथ का डेटा दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप जुलाई में देख सकते हैं व्यूज जो है 85,000 के करीब है और वॉच टाइम यहाँ पे आपको 2,500 के करीब दिख रहा है और सब्सक्राइबर जो है 287 है और अर्निंग यहाँ पे हुई है $20 से भी ऊपर की हुई है। इस महीने में मैंने करीब 20-22 वीडियो डाले हैं, तो जिसकी वजह से व्यूज, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर और अर्निंग सारी चीजें पहले के मुकाबले काफी अच्छी हैं। तो इसी तरह से अगर आप काम करेंगे तो सारी चीजें बेहतर होंगी, अगर आप काम नहीं करेंगे तो सारी चीजें डाउन होती जाएंगी। तो यहाँ पे आप कुछ मंथ का अर्निंग देख सकते हैं कि मैंने जिस महीने में जिस तरह से वीडियो डाला है बस उसी तरह की अर्निंग आई है।
तो ये फिक्स है, आप जैसा काम करेंगे आपको रिजल्ट भी उसी तरह का मिलेगा। और सबसे आखिरी में अब मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे YouTube पेमेंट कितनी आई थी। तो मेरी फर्स्ट पेमेंट जो है आई थी $100 को आप रूपीज में कन्वर्ट कर लेंगे, बस उससे थोड़ी सी ज्यादा आई थी। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।